नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। दिल्ली के शाहीन बाग में कुछ नहीं हो रहा, वहां तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा है। देश में लागू सीएए के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस कानून को वापस ले लिया जाए और साथ में लिखित में दिया जाए कि देश में एनपीआर और एनआरसी भी कभी लागू नहीं होगा। इतनी सी तो मांग है मुसलमानों की, जो केंद्र की मोदी सरकार मानने को तैयार ही नहीं है। क्या सच में ये सब कुछ इतना आसान है? क्या सच में शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ सिर्फ इतना ही हो रहा है? अगर आपको या हमें लगता है कि शाहीन बाग में शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है, भारत का मुस्लिम समुदाय अपने लिए, अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है, खुद को सुरक्षित करने की लड़ाई लड़ रहा है, तो ये गलत है। दरअसल शाहीन बाग से ही प्रभावित होकर अब और भी कई शाहीन बाग बनने के लिए तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब कैसे बोल रहे हैं, तो पहले ये वीडियो देखिए और उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। पेक की लड़ाई है और इस लड़ाई में इफ और बट की, अगर और मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कानून वापस जाएगा, कानून के बाद हुकूमत वापस जाएगी, सीए भी नहीं रहेगा, हुकूमत भी नहीं रहेगी, और अगर ये दोनों नहीं रहे तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। ये बात भी बहुत क्लियर करना है कि सीए भी नहीं रहेगा, हुकूमत भी नहीं रहेगी, और अगर कोई ये कोशिश करता है कि ये दोनों चीजें बाकी रहे तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, चाहे उसके लिए जो करना है। मुस्लिम कम्युनिटी भी उसके लिए तैयार है, नौजवान भी उसके लिए तैयार है। तो ये किसी इफ और बट वाली बात नहीं है, ये किसी बाबरी मस्जिद वाली स्ट्रेटेजी की बात नहीं है कि कोर्ट का जो फैसला होगा मान लेंगे। फैसला हम कर चुके हैं, अब हिंदुस्तान उसको मानेगा। ये ऑप्शन हम आपको दे ही नहीं रहे, ये ऑप्शन अब नहीं है आपके पास, किसी के भी पास, कि आप ये बोलेंगे ठीक है फैसला वहां से आएगा, कुछ एडजस्टमेंट होगा। फैसला शाहीन बाग से हो चुका है, अब आप कब मानेंगे ये आपको तय करना है। जितना जल्दी मानेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, जितना डीले करेंगे आपकी खबर उतनी ज्यादा गहरी खुदेगी। अब आपको तय करना है कि 2 फीट नीचे जाएंगे, 20 फीट नीचे जाएंगे। इसी वीडियो के बिना पर हम कह रहे हैं कि जिस शर्जील को दिल्ली पुलिस ने रिमांड पर लिया हुआ है, वो अकेला नहीं है बल्कि उसके जैसे कई और शर्जील हैं। एक तो मुंबई में ही पकड़ी गई उर्वशी चुड़ावाला है और उसके बाद नांदेड़ से ये साहब हैं, जिनका नाम तो नहीं पता लेकिन ये तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो सीए वापस लेने की सिर्फ मांग ही नहीं कर रहे बल्कि अपने जैसे लोगों के दिमाग में जहर भरने की भी कोशिश कर रहे हैं। अपने भड़काऊ भाषणों के जरिए लोगों को देश की हुकूमत के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ भड़का रहे हैं। अब इस लड़ाई में किसी तरह की गुंजाइश से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बाबरी की तरह इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के भी इसमें हस्तक्षेप करने पर भी अड़े रहने की बात कर रहा है। वीडियो में भाषण दे रहा ये शख्स मुसलमानों से कह रहा है कि सीएए भी वापस होगा और हुकूमत भी। अब पूरे हिंदुस्तान को इन जहरीले भाषणों को सिर्फ सुनना ही नहीं होगा बल्कि मानना भी होगा, और ये मुसलमानों को ऐसा मनवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि शाहीन बाग में फैसला हो चुका है, हम फैसला कर चुके हैं जिसे हिंदुस्तान को मानना होगा, यानी कि अब देश में कोई कानून नहीं चलेगा, देश में किसी की भी नहीं सुनी जाएगी, इन्हीं मुस्लिम भाइयों की सुनी जाएगी जो लगातार देश विरोधी बयान देते रहेंगे, लोगों को अपने ही मुल्क के खिलाफ भड़काते रहेंगे, जहर बोते रहेंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि हिंदुस्तान भी इनकी बात मानेगा। ये कैसी मानसिकता है, ये कैसा डर है जो देश की मौजूदा सरकार से इन भड़काऊ भाषण देने वालों को सता रहा है। ये शख्स मुसलमानों से कह रहे हैं कि अब ये आपके ऊपर है कि कब मानेंगे, जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा होगा, जितना डिले करेंगे आपकी कब्र उतनी गहरी खुदेगी, आपको तय करना है कि 2 फीट नीचे जाना है या फिर 20 फीट नीचे जाएंगे। अरे देश के मुसलमानों को, जिन्होंने बंटवारे में खुद को हिंदुस्तान में ज्यादा महफूज पाया और यही रहने का फैसला लिया, भला वो यहाँ रहने से क्यों घबरा रहे हैं? जब इतने साल से भारत में रह रहे हैं तो फिर उनके पास भारत के नागरिक होने के सबूत भी तो होंगे। अगर है तो फिर ये कैसा डर है, ये कैसा जहर है जो मुस्लिमों के दिमागों में भरने की कोशिश की जा रही है। नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता देने वाला है, छीनने वाला नहीं है, लेकिन ये तो हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत लाने का सपना देख रहे हैं। तभी तो मुस्लिम भाइयों को बैठा कर समझा रहे हैं, देश विरोधी बयान दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इतना जहरीला बयान, इतना जहरीला भाषण, ये वीडियो क्या सिर्फ सीएए का विरोध है? क्या यही विरोध है जो शाहीन बाग में हो रहा है?
या जो शाहीन बाग में विरोध हो रहा है वो इससे भी ज्यादा भयानक है, वो इस वीडियो से भी ज्यादा खतरनाक है। अब असल में तय आपको और हमें करना है कि मुस्लिम समुदाय को इस तरह से भड़काने वालों के साथ कैसा बर्ताव करना है, ऐसे भड़काऊ भाषण देने वालों के लिए कैसी सजा मुकर्रर करनी चाहिए जो हिंदुस्तान को बांटने के सपने देख रहे हैं। ये सिर्फ देश के खिलाफ नहीं है बल्कि ये तो सीधा देश की बहुसंख्यक आबादी को धमकी है। आखिर इन लोगों से कैसे डील किया जाए और ये साहब कौन है जो इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, ये पता लगाना जरूरी हो गया है। आपको बता दें कि पुलिस की गिरफ्त में आए शर्जील के भी मंसूबे कुछ ऐसे ही थे, वो भी तो खुलेआम असम को हिंदुस्तान से काट देने के सपने बुन रहा था, देश को भड़काना चाह रहा था। पुलिस पूछताछ में तो यह भी पता चला है कि वो भी हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के सपने देख रहा था। अभी तो शर्जील से पूछताछ में और खुलासे होने बाकी है जिससे पता चले कि ये जहर किस हद तक इन लोगों के दिमाग में भरा जा चुका है। अब एक और चीज है जो हम लोग दिल्ली में कोशिश करेंगे वो ये है कि अगर हमारे पास देखिए, अब हम स्कॉलर्स हैं, अगर हम स्कॉलर हैं तो इतना तो कर सकते हैं हम कि गैर मुस्लिम अपने साथ ला सकते हैं, दिल्ली के स्कॉलर्स की ये जिम्मेदारी है। तो अगर हम 500 स्कॉलर्स की टीम दिल्ली में बना लें मुसलमान, तो 500 हिंदू उनके साथ आएंगे जब अर्जेंट मामला होगा। इतनी तो जिंदगी यही गुजारी है तो इतना तो करिए, एक आदमी को तो ला ही सकता है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अगर 500 हैं दिल्ली में तो हम 500 मुसलमान 500 हिंदू रोड पे खड़ा कर दें अपनी शर्तों पे, अपने कॉज के लिए। अरे भाई, एक हिंदू को तो आप ला सकते हैं ना अपनी शर्तों पर, हमें किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। अगर हमें इसी डर से बचना है कि कम्युनल टैग ना लगे, कम्युनल टैग से भी फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है ब्रूटैलिटी से, फर्क पड़ता है जब हम अकेली की भीड़ है और पुलिस हमें बेतहाशा मारे, फर्क उससे पड़ सकता है। फर्ज कीजिए, एक आर्ग्यूमेंट ये बार बार आ रहा था दिल्ली में, इसीलिए मैं ये बात रख रहा हूँ। तो हमारी ये कोशिश रही है दिल्ली में कि हम एक ऐसी भीड़ को बना पाए जिसमें गैर मुस्लिम हमारे साथ नारे तकबीर लगाए, ठीक है, और वो हमारी शर्तों पे खड़े हैं हमारे साथ। अगर वो हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हैं तो मतलब वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी भीड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि उन्होंने 70 साल से किया है। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पे आगे खड़े हो, अगर हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हो तो वो हमदर्द नहीं है हमारे। दूसरी, मैंने बिहार में देखा, अच्छा बिहार का ही एग्जाम्पल दूंगा, बिहार में बहुत सारी रैलियाँ हो चुकी हैं, हर रोज एक दो बड़ी रैली होती है। अब वो कन्हैया वाली रैली देख लीजिए, 500,000 लोग थे उसमें रैलिया में। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद दर्ज कर चुका हूँ, 500,000 लोग हमारे पास हों ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1-2 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पर, उनको हटाने में 1 महीना लगे, ठीक ही नहीं। यहाँ एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, CA नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन टाइम में लोग डाले जा रहे हैं, है ना, और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहा है, 6-8 महीने में पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है। तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे, फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। कन्हैया जैसे नेता क्या करेंगे, जाके इनकलाब के नारे लगवाएंगे, इनकलाब के नारे लगवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और चले आएंगे, तालियां होंगी हमारे आवाम की, चेहरा होगा इनका, और उससे एक भी प्रोडक्टिव चीज नहीं निकली आज तक, एक भी प्रोडक्टिव चीज नहीं निकली आज तक। तो ये चीज याद रखें, ये चीज याद रखें कि अगर आवाम गुस्से में है तो उस गुस्से का प्रोडक्टिव यूज करना वो जिम्मेदारी है सियासतदान की, स्कॉलर की, सहाफी की, जो भी है, कि हम इसको प्रोडक्टिवली यूज कर पाए, रादर देन वेस्ट करना फोटो सेशंस में, ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझ में आई, अभी तक जो सेंसिटाइजेशन का भी मामला है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन्हीं कंट्रोल में जो इंडियन नेशन की पूजा करते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे कांग्रेस हो, सारे वो उन्हीं के कंट्रोल में। तो हमारे कंट्रोल में यूं आएगा कि हम लोग मुस्लिम स्कॉलर्स का ग्रुप बनाए और ऐसा ग्रुप बनाए जिसमें आपस में इस बात पे बहस ना हो कि हम नेशनलिस्ट हैं कि नहीं, ठीक है। बाहर में जो पर्दा रखना हो वो अलग बात है कि अभी हमें कुछ दिनों तक भाई चुप रहना है कि इंडिया सेकुलर, या इस जगह पे नहीं बोलना है या उस जगह पे नहीं बोलना है, वो बात अलग है, या आज हालात ठीक नहीं है या कल हालात ठीक नहीं है, परसों बोल सकते हैं, लेकिन परसों का मतलब ही नहीं 10 साल बाद, मतलब मैं अभी जैसे
डेली अफेयर्स की बात करूँगी, मैं किस मोहल्ले में खड़ा हूँ, लेकिन ये क्लैरिटी उन स्कॉलर्स में हो कि हम हिंदुस्तान के निज़ाम और आइन से परेशान हैं। अगर ये क्लैरिटी है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस बात पे इत्मीनान कर ले आप, देयर इज नो वे टू मूव फॉरवर्ड। तो अभी अगर आवाम सड़कों पर है और आवाम सुनने को तैयार है, टाइम वॉक में ये हुआ कि मैं स्टेज पर चढ़ करके रोज़ कांग्रेस के खिलाफ 2-3 बार बोलता था, बीजेपी आरएसएस का नाम मैंने 20 दिनों में शायद एक बार भी ना लिया हो, क्योंकि पता है लोगों को, अरे लोग इसलिए सड़क पर हैं क्योंकि उनको लग रहा है भाजपा ने कुछ नया वो किया है मुसलमानों के खिलाफ, बस इसीलिए सड़क पर। उनको अभी सीए पता भी नहीं, एनआरसी बहुतों को नहीं पता है, सीए बहुतों को नहीं पता है, दिल्ली में ही, बिहार का तो छोड़िए, दिल्ली में ही नहीं पता है। तो आवाम सड़कों पर इसलिए नहीं है, ये गलतफहमी है लोगों की कि वो सीए के लिए आए हैं या वो कॉन्स्टिट्यूशन बचाने आए हैं या वो देश बचाने आए हैं। यानी मुसलमान खुद को बचा ले बहुत बड़ी बात होगी, और अगर हम खुद को बचाएंगे तो देश भी बच जाएगा, और अगर हम खुद को ना बचा पाए तो ये देश भी बर्बाद हो जाएगा। अगर मुसलमान ऑर्गेनाइज होकर के रिस्पॉन्ड ना कर पाए तो हम अनऑर्गेनाइज रिस्पॉन्स देंगे, और अनऑर्गेनाइज रिस्पॉन्ड अगर मुसलमानों ने किया तो ये देश तहस नहस हो जाएगा, ये आपको भी पता है। तो अगर मुसलमान खुद ऑर्गेनाइज हुए तो उसी से हम देश भी बचा लेंगे इंशाल्लाह, हमें इतनी कुव्वत है।